कोई भरोसा नहीं है। जो जिंदगी मिली है दीक्षित जी भैया आप हम व्यवस्था करा दें, कार्यक्रम जल्दी शुरू हो जाए। जिंदगी के हाँ मंगा दिए, जिंदगी के भरम नहीं होंगे, जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ न होने के गम नहीं होंगे। एक रात ऐसी भी आएगी, एक रात ऐसी भी आएगी, चांदनी होगी हम नहीं होंगे, चांदनी होगी हम नहीं होंगे। गीत मिलती है बीन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है। बड़ी मुश्किल से मेरे यारों किसी को दो गज जमीन मिलती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो आइए कर्तव्य मार्ग की उस कड़ी में शानदार जवाबी संकीर्तन का प्रोग्राम आयोजक श्री राकेश यादव जी, उनके आदरणीय पिताजी श्री गंगाराम यादव जी, पूरे परिवार की तरफ से उनके सभी इष्ट मित्रों का, नातबात रिश्तेदार बंधुओं का, बेहतरीन साउंड सर्विस के ऑपरेटर साहू साउंड सर्विस लालगंज रायबरेली, जिसके प्रोप्राइटर श्री राजेश साहू जी, और भारतवर्ष का जो सुपरहिट नंबर एक धार्मिक चैनल KS म्यूजिकल ग्रुप कशिश सिंह राठौर। आइए शीघ्र ही आपको कार्यक्रम की तरफ लिए चले हैं। लगे हैं फोन जब से तार नहीं आते, लगे हैं फोन जब से तार नहीं आते, बूढ़ी आंखों के मददगार नहीं आते, गए हैं कमाने जब से शहर में लड़के, अब हमारे गांव में त्योहार नहीं आते। आज त्योहार नहीं आता, पहले अगर तार आ जाता था तो लोग रोने लगते थे, अरे तार आ गया। और आज दुनिया में मोबाइल का अगर, और इस समय हमारे आदरणीय श्री गंगाराम यादव जी तो उपस्थित, आप सभी अतिथियों का, जो भी हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आप इस सांसों का कोई भरोसा नहीं है, हकीकत यही है। एक पंक्तियां पढ़ते हुए मैं सीधा कुछ ही क्षणों में भैया अगरबत्ती या जो भी धूप बत्ती की व्यवस्था है उसको शीघ्र कर दें। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, हमारा दबदबा केवल हमारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। एक जोरदार तालियां हो जाए आयोजक के लिए कि राकेश यादव जी, उनके आदरणीय पिता श्री गंगाराम यादव जी, और उस बच्चे का नाम भी हम जाना चाहेंगे जिसके मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, आदरणीय कशिश जी जो बरसों बाद आप हैदरगढ़ में मिले थे, लेकिन मेरे मन की कसक आज पूरी हो जा रही है। कशिश राठौर जी की जो केस म्यूजिकल, जो मन की हमारी कसक थी, जो भड़ास नहीं कहा जा सकता लेकिन मन की जो मिलने की इच्छा थी, तो चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुम से हमारी ये मुलाकात न होती। कशिश सिंह राठौर केस म्यूजिकल ग्रुप में कुछ खास बात है जरूर, वरना तो जवाबी कीर्तन के इस मंच पे इतनी हंसी रात न होती। तो बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम की तरफ, अब आपको सीधा लिए चल रहे हैं।
कि आप कार्यक्रम से रूबरू हो। और भैया कशिश सिंह राठौर जी, आप इसको कैद करेंगे। तुम चाहत हो भाईचारा, तुम चाहत हो भाईचारा, उल्लू हो तुम्हू मारो हाथ करारा, उल्लू हो कैसे इंटर पास के हो हम जान गए, कहें 81 लिखो 18, उल्लू हो दहेज माँ मारुति पायो खुशी भाई, दहेज माँ मारुति पायो खुशी भाई, दुल्हन पायो महा खटारा, उल्लू हो जवान बीवी छोड़ के दुबई भागत हो, जैसन तैसे करो गुजारा, उल्लू हो कहन कि बेटा डिग्री लेके दर दर घूमो ना, हवा भरो बेचो गुब्बारा, उल्लू हो कहत रहन भैया फंसो ना प्यार के चक्कर में, सुखाई कहोगे छुहारा, उल्लू हो। जोरदार तालियां हो जाए। ये रफीक सादानी जी फैजाबाद के कवि थे, उनकी भक्तियां। भविष्य में होने वाली घटनाओं को अनुमान कहते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को अनुमान कहते हैं, जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से भी टकराकर एक दूसरे को मिला दे उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने मिलाने का काम किया है। हनुमान जी महाराज नहीं होते तो 4 लोगों की चिताएं जल जाती। पहले नंबर पर निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण धारा, जो जंतो मम बन बिछोहू, पिता बचन मंतो नहीं ओहू। उसी समय सरयू नदी में ही उनका काम तमाम कर दिया जाता। आज लक्ष्मण जी को कुछ होता तो कौन सा मुंह दिखाते राम जी, इसीलिए न लिखते वो भजनावली, न लिखते वो दोहावली, रामचरित मानस न लिखते, न लिखते वो कवितावली, यदि होती न रत्नावली, खिलती सुग्रीव के मन की नकली, ढूंढ पाते न जनक लली, अहिरावण का वध न होता, जान लक्ष्मण की जाती चली, यदि होते न बजरंग बली। तालियां भैया सब लोग बजा दीजिए। यदि होते ना बजरंग बली तो लक्ष्मण के प्राण चले जाते। और अशोक वाटिका में माँ जानकी आग मांग रही है जलने के लिए। हनुमान जी ने विचार किया, वहां पर भी एक ज्योतिषी थी त्रिजता, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, तो कहा अगर स्वप्न का विचार है तो इसको तो मैं ठीक ही कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि अगर स्वप्न में विचार आया है कि एक वानर आया है उसने लंका को जला दिया, तो त्रिजटा के उस स्वप्न के विचार को मैं सही कर दूंगा। हनुमान जी ने लंका जला दिया, सीता को आग में जलने से बचाया हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी को अग्नि में जलने से चीता से बचाया हनुमान ने, राम जी को भी चीता से जलने से बचाया हनुमान ने, और भरत लाल जो नंदीग्राम में चीता लगा लिए थे, अगर हनुमान नहीं होते तो 4 लोगों की चीता जल जाती। तो इसलिए एक बार जोरदार हनुमान जी महाराज जी के लिए सभी लोग, और बोलिए बजरंग बली की, बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए शेरावाली मैया की। मैं हृदय से मैसूर प्रकाश वेदी, जनपद सुल्तानपुर, एक छोटे से बाजार कुड़वार बाजार से आकर के आप जो भी थोड़े बड़े शब्द हो रहे हैं इसमें मुझे लाने का जो विशेष श्रेय है, कशिश सिंह राठौर साहू साउंड सर्विस और राकेश यादव भैया जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, जो आपने मुझे उस योग्य समझा। मैं आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, हनुमान जी महाराज जी से मंगलमय कामना करता हूँ। तो बिना विलंब किए हुए मैं सीधा कार्यक्रम की तरफ लिए चल रहा हूँ। कुछ औपचारिकताएं हैं, ठीक है 5 मिनट और कहा गया है बढ़ाने के लिए, तब तक आप कशिश सिंह राठौर बेहतरीन भारतवर्ष का सबसे नंबर 1 चैनल इन लाइनों को देखेंगे। मैं तेरे कांधे पे सर रख के सो जाऊंगा, मैं तेरे कांधे पे सर रख के सो जाऊंगा, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी रखना, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी रखना, प्यार के
दरिया में यादों की रवानी रखना। अच्छा हो तो एक जोरदार तालियां, बेहतरीन साउंड सर्विस साहू साउंड सर्विस रायबरेली, बेहतरीन भारतवर्ष का नंबर एक जो धार्मिक चैनल कशिश सिंह राठौर फिरोजाबाद, बहुत सुपर हिट कलाकार श्री रतिराम ज्ञानी संडीला हरदोई, सुपर हिट कलाकारों की श्रृंखला में उसी कड़ी में आदरणीय श्री माता दीन विश्वकर्मा जी। भैया अगरबत्ती की इधर व्यवस्था थोड़ा हो जाए जिससे